इधर अर्च बिशप फेलिक्स टोफू के द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों के बाद भाजपा ने फेलिक्स टोफू के बयान पर पलटवार किया है। मिशनरी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने सीआईडी के द्वारा मिशनरियों के 88 एनजीओ पर छापेमारी की गई थी। इन पर आरोप था कि इन एनजीओ में गलत ढंग से करोड़ों विदेशी रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। छापेमारी के बाद अर्च बिशप फेलिक्स टोफू ने भाजपा पर इल्जाम लगाया था कि मिशनरियों को भाजपा सरकार ने टारगेट किया जा रहा है और मिशनरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, इसलिए मिशनरियों के 88 एनजीओ पर छापेमारी करवाई गई है। आर्ची फेलिक्स टोफू के द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों का प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रेस वार्ता में खंडन करते हुए कहा है कि जिन एनजीओ पर छापेमारी की गई है वह केंद्र सरकार के गृह विभाग के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सीआईडी जांच कराई है और केंद्रीय गृह विभाग में एक नोडल एजेंसी होती है जिसका काम विदेशी खबरों पर नजर बनाए रखना होता है। फेलिक्स टोफू जी का आज पहला बयान आया और हम उम्मीद कर रहे थे कि वो राज्य के अमन चैन और खुशहाल के लिए वो कामना करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने राज्य सरकार को कहा कि वो दमनकारी नीतियाँ चला रही हैं एनजीओज़ के खिलाफ, जो ईसाई मिशनरी फंडेड एनजीओज़ हैं। तो हम उन्हें जानकारी देना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है जो मॉनिटरिंग करती है सारे फंड्स की जो एनजीओज़ को आते हैं विदेशों से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजा था कि अमुक एनजीओज़ जो हैं उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं और वो एनजीओज़ को फॉरेन से फंड मिल रहा था, तो उसके आलोक में राज्य सरकार से किसी सक्षम एजेंसी से जांच कराने का निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय से आया था। तो राज्य सरकार ने सीआईडी से इसकी जांच कराई।